बना रहे हैं देखिए, सूजी का कलकला बना रहे हैं। तो मैं सूजी को पीस लिए हैं पहले से, इसी में हम मैदा आटा मिला रहे हैं। एक बाटी है हम लोग का कटोरा, यही माप से आप लोग भी लीजिएगा। तो एक एक कटोरा सूजी है तो एक कटोरा मैदा, तो दोनों मिला दीजिए। तो उसके बाद नमक थोड़ा डालना है, थोड़ा खाने का सोडा डालना है, थोड़ा तेल डालना पड़ेगा इसमें। आटा गूंदना हो गया है, आप लोग देखिए ऐसे तरफ भी आप लोग भी गूंदिए, ज्यादा गीला नहीं करना है ऐसे। और इसको ना छोटा छोटा गोली बनना है, और ये वाला चम्मच है ना, इसको ऐसे करके दबाना पड़ेगा जोर से, ऐसे 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 दबाने से इसका राउंड ऐसे सब। ज़्यादा गीला होने से इसका चिपक जाता है, ऐसे राउंड नहीं बनेगा, ऐसे बनाना है ऐसे देखिए। तो चलिए अब एक को दिखाते हैं, चलिए फ्राई करके दिखाते हैं। इधर मैं फ्राई कर रही हूँ और इधर थोड़ा फ्राई हो गया है मेरा, इस तरह देखिए हम फ्राई कर लिया है। और ये वाला क्या बोलते हैं, चीनी को हम पाउडर करके रखे हैं, चीनी को इसका ऊपर में ऐसे लगा देंगे, इसको लगाने से चीनी का थोड़ा इसका चिपक जाएगा तो अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ऐसे लगाइए, और नहीं लगाना है तो मत लगाइए, लेकिन हमको थोड़ा मीठा अच्छा लगता है, मीठा मीठा, इसलिए हम ऐसे लगाते हैं। चीनी मिलाने से ना इसका चिपक जाएगा, गरम गरम लगाना है, जब ठंडा होगा तो नहीं चिपकेगा इसका ऊपर, गर्म ही रहना है उस टाइम में, चीनी के साथ इसको ऐसे मिला देना तो अच्छा लगेगा। तो कैसे लगा मेरा कलकला, तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। और हम लोग का क्रिसमस है ना, तो इसीलिए हम लोग पहले से बना करके रेडी कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ बनाएंगे और आप लोगों को